अगर आपका वीडियो ऑडियंस को पकड़ के रखता है ना, तो यूट्यूब एल्गोरिदम आपका गुलाम बन के काम करेगा। एल्गोरिदम को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, जिससे जितना ज्यादा देर लोग यूट्यूब को देखेंगे उतना ज्यादा यूट्यूब पैसा कमाएगा। तो अगर आपका वीडियो भी ये चीज करने में यूट्यूब को हेल्प करे, तो आपका चैनल को भी आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप करोगे कैसे? ये कुछ चैनल्स है जो एक ही दो वीडियो की मदद से अपना चैनल को ग्रो कर लेते हैं। देखो, जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो ना, पहले यूट्यूब कुछ ही व्यूअर्स को आपका वीडियो शो करता है, और अगर उनको आपका कंटेंट पसंद आता है ना, देन यूट्यूब फर्दर आपके वीडियो को लॉन्गर ऑडियंस तक पुश करता है। तो आपका यहाँ पर मिशन है आपका वीडियो को उसी तरह से डिजाइन करना। स्टेप वन, आपका नीश फाइंड करें, क्योंकि आपको अगर पता है किसके लिए एक वीडियो क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपको ये भी पता होगा उनको चाहिए क्या। स्टेप टू, ऑलवेज लुक फॉर वायरल वीडियो टॉपिक। ऐसा वीडियो टॉपिक ढूंढे जो लोगों को खींच के रखे, कुछ ऐसा हो जैसे लोगों के दिल में डर पैदा हो, जैसे कि ये वीडियो को टॉपिक देखे लग रहा है ना कि बहुत प्रॉमिसिंग है, जैसे ऑडियंस अगर ये वीडियो देखे तो उनका सच में कुछ फायदा होगा, आप क्लिक करेंगे क्योंकि आप इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते। नाउ टॉपिक आपके हाथ में है, डिजाइन ए गुड थंबनेल, जिसके लिए आप इस तरह का थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, ब्राइट हाई कॉन्ट्रास्ट थंबनेल। और हाँ, मेक श्योर यू कैन यूज बोल्ड फॉन्ट इन द थंबनेल। आपका जो भी वर्ड यूज करो वो एक या दो वर्ड से ज्यादा ना हो। नाउ नेक्स्ट फॉर वीडियो टाइटल। वीडियो टाइटल के लिए कोई रूल ऐसा नहीं है, बट अगर आप अपने पूरा ओवरऑल को देखोगे, थंबनेल, टॉपिक, आइडिया सब देखोगे, तो उसमें से आपको एक टाइटल नजर आ जाएगा जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने मुताबिक। तो इसमें कोई भी इस तरह सा रूल नहीं है जो आपको फॉलो करना। नेक्स्ट स्टेप, ट्राई टू मेक ए गुड स्क्रिप्ट। आप कॉपी पेस्ट करके मत करना, AI से चैट GPT से आप स्क्रिप्ट बना के डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। खुद से वैल्यू ऐड करो जो भी स्क्रिप्ट लिख रहे हो, और उसमें वैल्यू पुट करना आप सीखो। स्क्रिप्ट अच्छा होगा तो वीडियो एंगेजिंग रहेगा। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज गुड हुक। स्टार्टिंग में आपका गुड हुक होना चाहिए। चाहे आप एक वीडियो का शॉर्ट समरी दे सकते हो एंगेजिंग वे में, उसमें आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, या फिर वीडियो का एंड रिजल्ट जो है वो आप शो कर सकते हो ताकि वीडियो को पूरा लोग देखे। नाउ एट द एंड, आवर लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज गुड वीडियो एडिटिंग। इट इज द मोस्ट यूजफुल स्टेप। जहां पर आपको क्या करना है, अच्छा एडिटिंग करना है। ऑडियंस का टाइम स्पेन आजकल बहुत कम हो चुका है, आप जो भी वीडियो एडिट करो उसमें आप फास्ट पेस एडिटिंग करो, क्योंकि उसमें हर 2-3 सेकंड में अच्छा विजुअल होना चाहिए, अच्छा एनिमेशन होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे लोग। सो वीडियो को अच्छे से एडिट करना स्टार्ट करो। यू कैन हायर ए वीडियो एडिटर, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा स्टार्टिंग के डेज में आप हायर करो वीडियो एडिटर। बट हाँ, अगर आपका कैपिटल है तो आप वीडियो एडिटर को भी हायर कर सकते हो। एंड गुड साउंड डिजाइन अलोंग विद द वीडियो एडिटिंग। साउंड डिजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेक श्योर डोंट ओवर डू इट। आप साउंड डिजाइन ज्यादा मत करना, जो भी जहां पर जरूरी है उसी जगह पर साउंड डिजाइन यूज करे, साउंड इफेक्ट यूज करे, वरना साउंड डिजाइन ज्यादा यूज करोगे तो वीडियो खराब कर देगा। सो एनदर लास्ट स्टेप, डोंट फॉरगेट अस। जब भी आपका कोई भी हेल्प हो हमारे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो। वी आर हियर टू रिप्लाई यू। सी यू इन द